সবাই মিলে আমরা একত্র হয়ে আস্তবল ময়দানে একসাথে হয়ে চলব এবং নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা নিয়ে যাব, আমরা ত্রিপুরার জন্য একটা প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক, তাই আমরা নরেন্দ্র মোদীর কাছে আবেদন। কংগ্রেস হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত, তাদের অনেক কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে, সেই হিসাবে আমরা কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীজিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই না। আমরা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। ত্রিপুরাকে উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। নরেন্দ্র মোদী বর্তমান ভারতবর্ষে একজন কমপ্লিট লিডার। क्या कारण है कि हाँ राजनीतिक स्थिरता होने के बावजूद भी आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है? राजनीतिक स्थिरता होने के बाद भी गरीबी निरंतर बढ़ती क्यों जा रही है? कितनी बार आपने एक सरकार बनाई? मुझे तो गुजरात में सिर्फ 3 बार ही लोगों ने मौका दिया है, लेकिन 3 बार में आज गुजरात पूरे दुनिया में चमक रहा है। दुनिया में क्यों बाहर के लोग घुसपैठ करके त्रिपुरा पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और बाहर के लोग आधी मजदूरी में काम करने के लिए लग जाते हैं, यहां का नौजवान बेरोजगार हो जाता है। आवश्यकता है देश को एक मजबूत सरकार की, आवश्यकता है देश के गौरव बढ़ाने वाली सरकार की, आवश्यकता है देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सरकार की। 60 साल बर्बाद हो चुके हैं भाइयों, क्या और 5 साल बर्बाद करने हैं? क्या हम और देश को बर्बाद होने देना चाहते हैं? क्या हम इस परिस्थिति पर चालू रखना चाहते हैं? पूरा थर्ड फ्रंट, उसको कोई फ्रंट ही नहीं। भाइयों बहनों, चुनाव आते ही इसका जन्म होता है और इसकी उम्र 150 दिन से ज्यादा नहीं होती है। समय रहते अगर हम वैल्यू एडिशन पर नहीं सोचेंगे, हम उद्योगों के माध्यम से रबर का कमर्शियल वैल्यू तैयार नहीं करते हैं, तो मेरा यहां का किसान बर्बाद हो जाएगा। क्या कारण है हर्बल मेडिसिन में विश्व के बाजार में हम हमारी जगह नहीं बना पा रहे हैं? इस राज्य के पास हर्बल बहुत बड़ी संभावना पड़ी है, लेकिन एक विश्व का मार्केट कब्जा करने की दिशा से उन्होंने जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पा रहे।
अटल बिहारी वाजपेयी ने जो आपको दिया है उसका गौरव करते हुए आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए, कमल के निशान के साथ चलिए, त्रिपुरा में भी एक नया इतिहास बनाइए और हिंदुस्तान को एक मजबूत ताकतवर सरकार दीजिए। लक्ष्मी जी कहां विराजती हैं? 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 अगर कमल नहीं होगा तो लक्ष्मी जी चक्कर काट के चली जाएगी।